इस वीडियो में आपको हम बताएंगे मासिक धर्म अनियमित होने के कारण। मासिक धर्म अनियमित होने के कारण को लिखें। ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी और होम साइंस में आता है। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म को माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल या साइकिल या एमसी और पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त और अंदरूनी हिस्सों से होने वाली स्वा को मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म सबको एक ही उम्र में नहीं होता। लड़कियों को यह 8 से 17 साल यानी कि 17 वर्ष तक ही उम्र में हो सकता है। कुछ विकसित देशों में लड़कियों को 12 या 13 साल की ही उम्र में पहला मासिक धर्म होता है। वैसे सामान्य तौर पर 11 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। पीरियड्स की अनियमितता को कैसे दूर करते हैं इस वीडियो में देखिए। अब पीरियड्स का समय पर नहीं आना भविष्य में अन्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है, इसलिए अनियमित पीरियड्स का समय रहते उपचार करना जरूरी होता है। देखिए, योग करें। योग कई शारीरिक समस्याओं का समाधान हो सकता है जिसमें अनियमित पीरियड्स भी शामिल हैं। एक शोध में यह बात सामने आई है कि प्रतिदिन योग निद्रा का अभ्यास करने से हार्मोन का स्तर समान हो सकता है, जिससे अनियमित महामारी की समस्या से आराम मिल सकता है। वजन नियंत्रित करें। मोटापा ऐसी समस्या है जो अन्य कई गंभीर समस्याएं जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, मतलब स्त्री में जो है समस्या बन सकती है। इससे बचने और आराम पाने के लिए आपको ज़्यादा वजन वाली महिलाओं को वजन नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। इससे उनकी माहवारी नियमित रूप से आना शुरू हो सकती है। दालचीनी का उपयोग। जैसे कि अनियमित रूप से पीरियड्स आने के कारण में आपको हम बता दें कि बहुत सारी बीमारी हो सकती है, वही एक स्टडी से पता चला है कि दालचीनी का उपयोग इस समस्या और अनियमित पीरियड जैसे लक्षणों को आराम पाने में मदद कर सकता है। विटामिन की कमी। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध में यह बात पता चला है कि महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी कभी भी अनियमित पीरियड के कारण बन सकती है। ऐसे में अपने डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। आपके पीरियड्स को अभी भी नियमित माना जाता है अगर वे 24 से 28 यानी कि 28 दिनों के आते हैं। 24 से 28 मानकर चलिएगा, आपके पीरियड्स को अनियमित माना जाता है। अगर पीरियड्स के बीच समय बदलता रहता है तो आपके पीरियड्स पहले या बाद में आते हैं तो उपचार आपको जो है पता लगाने चाहिए। आपके अनियमित अवधियों के कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, आपको पता करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। देखिए क्यों होता है, बताते हैं कुछ आपको हम। अचानक वजन के बढ़ने या घटने के कारण, आप ये लिख सकते हैं क्यों अनियमित होता है। अचानक वजन के बढ़ने या घटने के कारण, तनाव बढ़ने के कारण, आहार में पोषण में कमी, थायराइड की वजह से, अधिक एक्सरसाइज करने के कारण, वर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण, यानी कि इस कारण से जो है आपका जो है पीरियड्स जो है अनियमित हो जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।